एक देह है, एक देश है, एक समय है और इन सबको समेटती एक तारीख है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और ये ललन टॉप का नया शो है जिसका नाम तारीख है। इसमें हम एक तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानी सुनाते हैं। आज तारीख है 4 दिसंबर और ये तारीख जुड़ी है एक ताजपोशी से, 3 साल के बच्चे की ताजपोशी। जो 8 साल का हुआ तो उसकी माँ को जहर देकर मार डाला गया। वो बच्चा देश का राजा था लेकिन उसे भरपेट खाना तक नहीं मिलता। जब वो सोचने समझने लायक हुआ तो उसने ऐसा कोहराम मचाया कि उसके नाम में हमेशा के लिए टेरिबल यानी कि खौफनाक शब्द जुड़ गया। ये कहानी है इवान वासिलियेविच चतुर्थ की, जिसे दुनिया इवान द टेरिबल के नाम से जानती है। उसके पिता का नाम था वासिली तृतीय। वो मॉस्को के राजा थे, वंश का नाम रूरिक। ये कौन थे जानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे तीनों देश मिलकर स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। 8वीं सदी की बात है। यहाँ के राजाओं ने एक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। वो नदियों के किनारे चलते, वहाँ बची बस्तियों में, वहाँ जो बसी थी बस्तियाँ, वहाँ लूटपाट मचाते और आगे बढ़ते। इन राजाओं को पश्चिम में वाइकिंग्स कहा गया और पूर्व में आकर ये कहलाने लगे वारंगियन। उस दौरान रूस अलग अलग कबीलों में बिखरा हुआ था। जब वारंगियन वहाँ पहुँचे तब कबीलों ने राजकुमार रूरिक से गुजारिश की। वे बोले कि आपकी ताकत के सामने हम नहीं टिक सकते, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, आप हम सबको संगठित करिए और हमारी रक्षा करिए। कबीलों का एकीकरण हुआ राजकुमार रूरिक के नेतृत्व में। ये 862 ईस्वी की बात है जब रूरिक वंश की स्थापना हुई और यहाँ रहने वालों को रूस का नाम मिला और इसी के आधार पर देश का नाम भी रूस पड़ा। ये तो रूरिक वंश की इंट्रो हो गई। अब अपनी कहानी पर लौटते हैं। वासिली तृतीय का शासन मजबूत था, अंदर से भी बाहर से भी। उसने अपने पिता इवान द ग्रेट के परचम को कायम रखा। लेकिन फिर एक अनहोनी हुई। एक दिन शिकार खेलते वक्त उसकी जांघ में दर्द शुरू हुआ, उसका फिर इलाज नहीं मिला और 3 दिसंबर 1533 को उसकी मौत हो गई। उस समय इवान चतुर्थ की उम्र थी सिर्फ 3 साल। 4 दिसंबर को उसको अपने पिता की गद्दी पर बिठाया गया। इवान चतुर्थ अब मॉस्को में बैठकर पूरे रूस का राजा हो गया था, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए उसकी माँ ग्लिंस्काया ने उसके नाम से शासन चलाया। लेकिन 5 साल बाद ही माँ का साया उठ गया। कहा जाता है कि कुलीन वर्ग के लोगों ने, दरबारियों ने साजिश के तहत जहर खिलाकर उसकी माँ को मार डाला। उसने ये बात याद रखी और आगे चलकर इसका बदला भी लिया। माँ की मौत के बाद उसका जीना वैसे मुहाल हो गया था। जिन लोगों को इवान चतुर्थ की यानी राजा की, जो अपने बाल रूप में थे, देखरेख में रखा गया, वो उसे भरपेट खाना तक नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, उसे दुत्कार की आदत पड़ गई थी। और ये सब एक राजा के साथ हो रहा था। वो गुस्सैल होता जा रहा था, वो मूडी होता जा रहा था और इसका नतीजा बाद में पूरे मुल्क ने भुगता। 1547 का साल आया, मॉस्को में जारशाही की स्थापना हुई और इवान चतुर्थ पहला जार बना। ये शब्द लैटिन भाषा के सीजर से लिया गया जिसका मतलब होता है सम्राट। जारशाही रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति तक कायम रही, यानी जारशाही की उम्र 370 साल, लेकिन रूरिक वंश की ये उम्र नहीं है, वहां पतन की शुरुआत हो चुकी थी। इवान चतुर्थ बड़ा हो चुका था और उसका गुस्सा भी। सबसे पहले उसने कुर्सी पर अपनी पकड़ मजबूत की और फिर अपना असली रंग दिखाया। पहला निशाना बनाया उन्हीं दरबारियों को, कुलीन वर्ग को। उसने ओपोर्चुना की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, इसके तहत रूसी कुलीनों की संपत्तियां जब्त की जाने लगी, उन्हें सरेआम मारा जाने लगा। इवान चतुर्थ को शक था कि ये लोग लगातार उसके खिलाफ साजिश करते हैं। उसका शासन कई मायनों में खास रहा। उसने कुलीनों के प्रभाव को खत्म किया, मॉस्को को सत्ता से इतर साहित्य और कला का भी केंद्र बनाया। वो रूस को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था, लेकिन उसके गुस्से और अविश्वास ने रूस को उल्टी दिशा में धकेल दिया। इसका सबसे भयानक परिणाम तब दिखा जब एक दिन उसने अपने बड़े बेटे इवान इवानोविच की हत्या कर दी। इवान इवानोविच का अजन्मा बच्चा भी इस सनक का शिकार बना। वजह वही, शक संदेह। मार्च 1584 में इवान चतुर्थ की मौत हो गई। फिर कुर्सी मिली उसके छोटे बेटे फ्योदोर को। वो इसे संभालने में नाकाम रहा, उसे इसमें कोई रुचि भी नहीं थी। 1598 में फ्योदोर मर गया, उसके कोई बच्चा नहीं था और इस तरह से रूरिक वंश पर वहीं फुल स्टॉप लग गया। और यहीं से रूस में टाइम ऑफ ट्रबल्स की शुरुआत होती है। देश में अराजकता, जो भी नया राजा कुर्सी पर बैठे उसका कत्ल हो जाए। पर यह इकलौती समस्या नहीं थी। 1601 में रूस में अकाल पड़ा, इसमें एक तिहाई आबादी मारी गई। इन सब के बीच बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे, हर तरफ से मार, और इससे उबरने में रूस को लंबा समय लगा। इवान द टेरिबल ने अपना नाम साकार कर दिया। उसने अपने ही देश की खुशी में पलीता लगा दिया, जो आने वाले कई दशकों तक रूस को दुख देता रहा। आज की तारीख में बस इतना ही। एक नया दिन,
एक नई तारीख, एक नया किस्सा। शुक्रिया।